Okay, so यस सर। just let me know whatever queries do you have. Okay. सर फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। Okay. ओके सर, आई कंप्लीटेड माय बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे। देन इन अक्टूबर 2021 आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड फ्रॉम आई अटेम्प्टेड 2021 टू प्रीलिम्स बट नॉट क्लियर प्रिलिम्स एंड दिस टाइम ऑल्सो आई अटेम्प्ट प्रिलिम्स बट नॉट गेट थ्रू। Okay, and what was your scores in last two attempts? सर इन फर्स्ट प्रीलिम्स माय स्कोर इज 52 इन सीसेट। Okay. दैट टाइम सर माय मतलब मेरा तभी कोचिंग हुआ था जनवरी में, ठीक है। अक्टूबर में आने के बाद। तो मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं होती, तब जाके मैंने जब प्रीलिम्स दिया सर, उसके बाद में मैंने टेस्ट सीरीज मतलब मैंने मेंस का भी इतना प्रिपरेशन नहीं था, ठीक है। तो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की और ऐसे और 1 2 3 4 सबका नोट्स वगैरह बना के टेस्ट दिया 15 और ऐसे का। और उसके बाद में फेब्रुआरी से इस प्रीलिम्स की तैयारी चालू की सर। मैंने मतलब जो फोरम की टेस्ट सीरीज लगाई थी प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, मेरा मतलब सर स्कोर आ रहा था, पर जब इस टाइम अटेम्प्ट किया तो मैं थोड़ा पैनिक हो गया था पेपर देख के। ठीक है। ओके और मैं उसके बाद में जब मैंने एनालिसिस किया सर, तो मुझे ऐसा मतलब लगा कि मैंने राइट डाउन किया कि मेरे क्या शॉर्टकमिंग्स है, तो मेरे जो स्टैटिक पर पार्ट का जो कवरेज है सर, तो वो थोड़ा वीक है ऐसा मुझे लगता है, उस पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ठीक है। इस बार स्कोर कितना बन रहा था आपको प्रीलिम्स में, डिफरेंट कीज के अकॉर्डिंग जो मार्केट में रही होंगी? सर मैंने शंकर से मिलाई थी, उसमें मेरा जीएस में 70 बन रहा था और सीसैट में 58 बन रहा था सर। ओके, तो देखो यार, अभी अटेम्प्ट देना है ये फिक्स है। ठीक है, तो हाँ सर अटेम्प्ट मैं देना आपको सर। एक जनरल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, या जो मेरे मेंटीज के साथ वर्क कर रही है। पहले मैं सीसैट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सीसैट आजकल थोड़ा अतरंगी सा पेपर आ रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत भी हो रही है उसमें। तो सीसैट के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा आपको, फर्स्ट सजेशन, कि देखिए, फर्स्ट सीसेट के दो पास्ट होते हैं, एक इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, सेकंड होता है मैथ रीजनिंग वगैरह जो होता है हमारा। तो इंग्लिश कम्प्रिहेंशन के लिए मैं कहूंगा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, सॉल्व करने हैं, गलत हो सही हो कुछ नहीं देखना, अपने मन से जो आंसर आए देख लेना है। फिर यूपीएससी की ही की उठानी है, उससे मैच करना है। फिर ये सोचना है कि मैंने ये सोच के ये मार्क किया था, लेकिन यूपीएससी वाले ने तो ये सोच के, अगर गलत है तो ये मार्क किया है, तो यूपीएससी ने क्या सोच के सही किया इसको। फिर अगले पेपर में उस माइंडसेट के साथ जो यूपीएससी ने अपना आंसर मार्क किया, उस माइंडसेट के साथ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए 2013 के बाद सीसेट नहीं मिल रहा, तो उससे पहले का कर, मतलब दोबारा इसी साइकिल को रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना कंप्रेहेंशन के लिए। इतना कर लेंगे आप देखेंगे यूपीएससी का माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन बनने लगता है। ठीक है, यस सर। कितना समझ में आ गया? सेकेंड चीज, जब इंग्लिश का हो गया साइड भी कर रहे थे, मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत इजी सवाल है या 10th लेवल के हैं जो यूपीएससी क्लेम करता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा उसके लिए, यूट्यूब पहले तो अपने टॉपिक्स देख लीजिए एक बार। यूट्यूब पे जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो हो उस टॉपिक के लिए, जो फ्री में अवेलेबल हो, उसको देख लीजिए, अपना बेस बना लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मंथली जो बैंक पीओ की मैगजीन आती है वो प्रैक्टिस करिए, बैंक बैंक पीओ के लिए जो आती है, उस टॉपिक से रिलेटेड यस क्वेश्चंस उससे प्रैक्टिस कीजिए। बैंक पीओ जो मैगजीन्स ठीक है जो मार्केट में, जो मैंने देखी हुई है, बीएससी मैगजीन यस करके सर आती है एक, ठीक है, हाँ बीएससी मैगजीन आती है, इसके अलावा करियर लॉन्च, करियर पावर की आती है खुद की, ठीक यस सर। सर है। तो बैंक, मेरा मेरा जो बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का, इसको वजह से मेरे थोड़ा मैथ में, पर मैंने इस बार आपने बताया ना वो थोड़ा मैंने भी प्रैक्टिस किया था जो कॉम्प्रिहेंशन का पता है ना,
मेरा पहले गलत हो रहा था, पर मैंने जब यूपीएससी के आंसर की से मैच की तो मुझे पता लगा कि थोड़ा प्रैग्मेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लगती है कॉम्प्रिहेंशन में। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि आप उसी को दोबारा फॉलो करिए, इस बार हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ के लिए अगर आपको लगे कि नहीं ये कोई बुक बता दीजिए सर, तो मैं ये कहता हूँ कैट की बुक आती है अरुण शर्मा, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो MBA वगैरह के लिए आती है, उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 के क्वेश्चंस कर लीजिए और कुछ कुछ टॉपिक्स का 3 के कर लीजिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, नहीं करने हैं हमें, तो उससे सीसेट की प्रैक्टिस कीजिए, आराम से निकल जाएगा। और टॉपिक्स पकड़ लीजिए किसमें आप स्ट्रांग हो सकते हैं किसमें वीक, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ 66 ही नंबर तो लेने हैं, जिस टॉपिक में जल्दी समझ में आ रही है चीजें तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए, तो सीसेट खत्म हुआ आपका यहाँ पे। अब आपको मैं जनरल स्ट्रेटेजी जो बताऊंगा, देखिए रेफरेंस बुक वगैरह डिफरेंट टैक्टिक टॉक्स में आपने देख लिया, जो आप पढ़ते हैं वही टॉपर भी पढ़ के गए हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे वो लोग भी, ठीक है। इनफैक्ट गरिमा आई थी टैक्टिक टॉक में, तो उसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से आपने देखा होगा कि ज्यादा कुछ मेंशन भी नहीं किया, वही रिसोर्सेज है, वही सोर्सेज है जो मार्केट में चल रहे हैं, किसी का कुछ अलग नहीं है। हाँ दिक्कत कहाँ आती है रिविजन में, ठीक है, रिविजन को बढ़ाइएगा। और मैं ये कहूँगा अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन उसको उसे उस कंसेप्ट को यूट्यूब कर लीजिएगा, अगर आपके पास कोई यस सर, सीनियर है, मेंटोर है जो आपको कंसेप्ट समझा सकता है, क्योंकि अब एक कंसेप्ट समझने के लिए मैं पूरी इकोनॉमिक्स की ट्यूशन तो या कोचिंग तो रिकमेंड नहीं करूंगा, तो फायदा भी नहीं है उसका, तो बराबर वो वीडियो दोबारा देख लीजिए जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हो, बहुत सारी वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि यस वो फ्रीली अवेलेबल है। एक व्यू बढ़ा दीजिए उस वीडियो का और उसको थोड़े और पैसे मिल जाएंगे, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, लास्ट 3 सालों से वर्क कर रहा है, ठीक है, इनफैक्ट एक लड़के की तो रैंक भी लाया है, ठीक है, उसका प्रिलिम्स काफी टाइम से रुक रहा था, और इस बार भी 2-3 लोगों ने मेरे जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं काम कर रहा था वहां पे क्लियर किया है, तो PYQ हेल्प करता है। यस सर, PYQ सॉल्व करने का तरीका होता है, आपकी बर्थ ईयर क्या है, 1999 1999 तक ही आपको क्वेश्चन कम से कम करना है, ठीक है, और मेडिवल और एंशियंट के उससे भी ऊपर चले जाइएगा, तो जो आपको यूपीएससी में क्वेश्चंस ऐसा लगता है ना कि अरे कहाँ से पूछ लिया इसको, देखे ही नहीं है आज तक, वो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक ठीक है सर। है। तो मेरा सजेशन एक तो ये रहेगा कि आप मेडिवल का कर लीजिएगा, यस सर, ठीक है। एंड इसके अलावा एज सच मेरे लिए मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। PYQs सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ। PYQ का मतलब ये नहीं है तुम्हें सिर्फ आंसर निकालना है, उसके ऑप्शंस को भी गूगल कर लीजिएगा, एक छोटी सी कॉपी बना लीजिएगा, उस पर पूरी हिस्ट्री नहीं लिखनी उस ऑप्शन की, उससे रिलेटेड सामान बस, ताकि वो थोड़ा सा याद रहे, वो कॉपी आप दोबारा कभी खोलेंगे नहीं, कभी खाली बैठे रहेंगे भले ही खोल लेंगे, लेकिन उसे लिखते रहिए, आप देखेंगे कुछ कुछ यस चीजें सर, रिपीट हो रही है, कुछ कुछ चीजें इंटर रिलेटेड है, तो एक वो प्रिलिम्स एक्यूमन जो माइंडसेट होता है यूपीएससी का वो बनने लगेगा आपका, कि एक्चुअली जो हम यस, कहते हैं ना एलिमिनेट कर दिया, वो एलिमिनेट नहीं होता, वो हमें ये याद होता है बाकी कि के इसका ये यहाँ का नहीं है, ये कहीं और रिलेटेड है, इसलिए एलिमिनेट कर दिया। वो बाजार में जो ट्रिक्स चलते हैं इस साल सब फेल हो गई है, लेकिन लॉजिक इस साल भी यस वर्क सर किया है, ठीक है, तो बराबर। लॉजिक पे काम करिएगा, तो PYQ पे थोड़ा सा कहिएगा। सेकेंड चीज ये रहेगी रिसोर्सेज को बढ़ाइएगा मत, जो अपने लिमिटेड सोर्सेज है उसी को रिपीट कीजिएगा बार बार, उन्हीं यस को सर, हमेशा याद रखिएगा कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है 10 किताब को एक बार पढ़ने से, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स की जनरल स्ट्रेटेजी है, और बाकी मैंने एक 2024 का सेशन लिया था, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं थे उसमें, कनेक्ट हुआ था उसमें हाँ, क्योंकि उसमें उस दिन बहुत कनेक्ट हुआ था। अभी बहुत डिटेल्ड मैंने डिस्कस किया था सब कुछ उसमें। अब और बताइए, यस और कोई आपका स्पेसिफिक सवाल? सर, अभी मतलब मेंस के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है वो मेरे थोड़ा क्लियरिटी नहीं माइंड में कि मेंस के आगे कैसे साथ बढ़ा जाए। देखो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेंस के लिए जब आप करेंगे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, देखिए अभी बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप देखें तो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ लीजिए जो प्रीलिम्स में नहीं आते, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नेंस, सर पिछली सोसाइटी, बार हाँ जब मेरा हुआ नहीं था ना सर, तो हाँ मैंने हाँ इस टॉपिक सब टॉपिक के 1-1, 2-2 पेजेस के नोट्स बना लिए थे अच्छा, और उससे तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रिवीजन रहे हैं कर। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, हाँ सर, तो अगेन मैं ये कहूंगा कि दो तरीके से प्रैक्टिस करिए, एक तो PYQ के पॉइंटर्स खुद लिखिए और
फिर डेली बेस आंसर राइटिंग कहीं ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि कहीं टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिएगा फॉर द टाइम बीइंग, जहां पे आपको अगर कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो हैंड होल्डिंग करके आपको सिखा रहा है आंसर राइटिंग, जो समझाएगा, क्योंकि बिल्कुल मुझे नहीं लगता भी आंसर राइटिंग में इतना एक्यूमन होगा, ठीक है। नाइस। हाँ, तो जो डिस्कशन ले या कॉल पे बात करके, ये नहीं है कि हर क्वेश्चन डिस्कस करे कोई आदमी, कोई नहीं करेगा इतना तो, लेकिन एटलीस्ट मान लो बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन देख ले, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, आपको बता रहा है, वो बेटर है आपके लिए यस सर, कोर्स, ठीक है। सेकेंड यस सर, चीज, मेरा सजेशन ये रहेगा आपको, PYQ के पॉइंटर्स जरूर बनाइए, ठीक है। यस सर, लास्ट सजेशन मेंस के लिए, देखो बहुत सारे टॉपर्स निकल चुके हैं पिछले साल के, उनकी कॉपीज उनके टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल होंगी, बिना सोचे यस सर, समझे उसे कर लीजिए, देखिए कैसे लिखते हैं वो लोग, ठीक है। अगर आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है, कुछ आता ही नहीं है, तो जो न्यूज़पेपर होते हैं अपने, उनके एडिटोरियल को अपने वर्ड्स में लिखिए, यस सर। तो ये 3-4 काम करने हैं। सर मैंने फुल लेंथ वगैरह टेस्ट पिछली बार प्रैक्टिस किए थे सर, जो प्रीलिम्स के बाद मेरा हुआ नहीं था ना, तो मैंने फुल प्लेज मेंस का किया था जनवरी तक, तभी ऑप्शनल के नोट्स बना लिए थे मेंस के। तुमने बताया जो टॉपिक वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, JS-1 में सोसाइटी हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ जो नेबरहुड पॉलिसी का, उस पे बना लिए थे नोट्स में। नहीं, नोट्स बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं आंसर राइटिंग, ठीक है। वो आप आर्टिकुलेट करेंगे, टॉपर्स की कॉपीज दिखेंगे ना, तो उन्हीं के तरीके से आर्टिकुलेट करना सीख जाएंगे। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन मान लो आपने पढ़ा, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो कंटेंट इनफ है यार, जितना ये को जो क्वेश्चन पूछा है, तो लुक लिख दीजिए, फिर अपना आंसर और टॉपर का मैच कर लीजिए, क्या राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस था, कैसे उसने उस इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से यूज कर दिया या उसके द्वारा, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको, ठीक है ठीक है। और बताओ, यस। और सर जो मुझे लग रहा है कि मेरा स्टैटिक पार्ट थोड़ा वीक है, तो उसको स्ट्रांग करने में क्या कर सकता हूँ अभी? मेरा सर जो बेसिक सोर्सेस अभी, उसी को रिपीट करना है, रीरिवाइज करना है। स्टैटिक पार्ट वीक नहीं होता, उसका अंडरस्टैंडिंग कम होती है। जब आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको दोबारा वही चीज सजेस्ट करूंगा, उसकी वीडियो देख लो ना। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई चीज, मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट, उसकी वीडियो देख लो। इकोनॉमी का रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में रिलेशन नहीं समझ आ रहा, उसकी वीडियो देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ठीक, हमें उसको समझना है, हमें नोट्स बनाना है, लिख लिख के याद नहीं करना, हमें चीजों को यहां से समझना है। हमें मनी सप्लाई मार्केट समझ में आनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 की, तो हमें पता चलना चाहिए राइट टू लाइफ है क्या, राइट ऑन दैट, कैसे ये बड़ा हो रहा है, स्कैम बिट डे बाई डे, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक ठीक है सर। है। और बताइए, और वही अभी सर टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मतलब अभी तो मैं प्रीलिम्स को अभी से नहीं लेके, नहीं तुमने अभी जो अभी अभी प्रीलिम्स ठीक नहीं लेंगे आप, अभी सिर्फ अपने ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, एथिक्स पे ध्यान दीजिए, फिर मेंस के सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, फिर ट्रांजिशन करिए, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन होती है प्रीलिम्स में और जो मेंस में, दोनों में आती है। कुछ ट्रांजिशन सब्जेक्ट्स को आप रख लीजिए लास्ट के लिए, दिसंबर ऑनवर्ड्स के है, लिए, ठीक है, ताकि जब जनवरी ठीक है फरवरी में आप प्रीलिम्स ऑनवर्ड्स हो, तो ट्रांजिशन सब्जेक्ट्स के साथ हो जाए आप, जो चीज कॉमन है, ताकि प्रीलिम्स में उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। उस ठीक है, टाइम पीरियड में आप इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप चीजें मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं, ठीक ठीक है। और बोलिए, है। इतने सर जो मैंने लिख लिए थे, पूछे गए सब, ठीक, ठीक है, तो थैंक यू, क्योंकि थैंक ये यू सर मेंटर आपके। नहीं सर, मेंटर मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ। नहीं, कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। जस्ट क्योंकि आपने अर्न किया है मेंटर कनेक्ट, जो मेरा इनिशिएटिव था, इसका मतलब ये था कि कुछ एस्पायरेंट्स है, कई बार हम चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, या पता नहीं होता कि क्या फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक जुआ खेलने से अच्छा या बेट लगाने से अच्छा, तो मेरा कंसेप्ट यही था कि यार ऐसे ही किसी के साथ कॉल पे कनेक्ट नहीं होना है, पहले कुछ टास्क देने हैं, अगर आप लोग कंप्लीट करेंगे तो फाइन है, हाँ क्योंकि सर, अगर अगर मैं सिर्फ लिंक बराबर डाल दूंगा ना, तो 4-5 लोग आ जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए वो 4-5 लोग, मुझे एक सीरियस कैंडिडेट चाहिए जो अपना वो प्लेस अर्न करे, क्योंकि मेरे 20-25 मिनट फ्री नहीं है, सीधी सी बात, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर एंड देन सर्टेनली आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। यस सर, चलो देन शुभम, ओके, ये ओ सेशन सर मैंने रिकॉर्ड किया थैंक है, यू, ठीक है, तो इसका मैं रिकॉर्डिंग ओ डालूंगा यस सर, अभी, ठीक,
ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर।